तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफ फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम सीयूए के अंदर पढ़ने वाले हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेन मेमोरी के बारे में, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग मेमोरी डिफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस यूज टू स्टोर द प्रोग्राम और डेटा ऑन द टेम्प्रेरी और परमानेंट बेसिस। यानी जो डेटा होता है उनको हम टेम्प्रेरी और परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर रखते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, एंड फॉर यूज़ इन द कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें मेमोरी की, तो तीन तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, दूसरा होता है मेन मेमोरी, तीसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी हायरार्की की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी विजुअलाइज बाई हायरार्की ऑफ कंपोनेंट। यानी जो टोटल मेमोरी होता है, कैपेसिटी होता है किसी भी कंप्यूटर का, उनको हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं हायरार्की जो कंपोनेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस कंटेंड इन अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द स्लो एक्सिलरी मेमोरी टू द फास्ट मेमोरी एंड टू स्मॉलर कैश मेमोरी। यानी स्लो से फास्ट की तरफ हम मूव करते हैं मेमोरी को, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। तो जब तक आप फिगर को क्लियर नहीं बनाएंगे, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक्सिलरी मेमोरी क्या होता है? एक्सिलरी मेमोरी इज द स्लोएस्ट मेमोरी एंड इट्स एक्सेस टाइम इज जनरली 1000 टाइम डेट ऑफ द मेन मेमोरी एंड हेंस इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। यानी ये स्लोएस्ट मेमोरी होता है जो एक्सेस करता है टाइम को, जो जनरली 1000 टाइम्स जो मेन मेमोरी के होते हैं उनके बॉटम ऑफ हायरार्की को फॉलो करता है। मेन मेमोरी ऑक्यूपाइज दैट द सेंट्रल पोजीशन बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइड टू द कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। यानी जो मेन मेमोरी है वो एक सेंट्रल पोजीशन का काम करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, कैच मेमोरी है, सीपीयू है, मैग्नेटिक टैप है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और कुछ और भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, 3-4 पॉइंट आप इनको देख के कवरअप कर सकते हैं। कैच मेमोरी क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम डेटा विच इज़ करेंटली बींग एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू। यानी इसका यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, डेटा को जो करेंटली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के अंदर। And it is sometimes used to increase the speed of the processing by making the current program and data available to the CPU and at the rapid rate. तो इस तरीके से चीज़ों को हम execute करेंगे और daily basis पर video series आपको मिलती रहेंगी।